पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं दूसरी ओर हर एक पार्टी की ओर से जीत का दावा भी हो रहा है। इस बीच विपक्षी पार्टियां बीजेपी की हार की बात कह रही हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्री से लेकर विधायक तक की एक ही बात है और सिर्फ जीत के दावे हो रहे हैं। देखिए, पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश में वोटिंग शुरू हो गई है तो कई राज्यों में वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों में इन दिनों चुनावी शोर है। चुनावी शोर के बीच हर पार्टी अपने ही दावे कर रही है। बीजेपी के नेता से लेकर विधायक और मंत्री बीजेपी के ही जीत के दावे कर रहे हैं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की माने तो पंजाब में बीजेपी की जीत होगी। अच्छा पॉजिटिव माहौल है। आप देखें कि माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने भी कल दौरे किए हैं और भी आगे आने वाले समय में उनके क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नड्डा जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने एक रैली की है। तो इस प्रकार डे बाई डे ग्रोथ बढ़ रहा है। अगर हम गाँव में जाएँ, शहरों में जाएँ, तो वहाँ पर जो लोग साइलेंट बैठे थे वो बाहर निकलने शुरू हुए हैं, वो आ रहे हैं। उनको दिख रहा है कि केंद्र में क्या योजनाएं थी सिखों के लिए, पंजाब के लिए केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से क्या क्या उपराले योजनाएं, उपराले मतलब योजनाएं जो हैं वो आई हैं। और नेबर स्टेट्स, हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, वहाँ पर लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं केंद्र सरकार और क्या क्या योजनाएं राज्य सरकार दे रही है और उनको घर घर तक पहुंच रही है, वैसे ही पंजाब में पहुंचेगी तो पंजाब फिर दोबारा खुशहाल होगा। कोई समय ऐसा था कि पंजाब बहुत पिछड़ा हो गया है, पहले बहुत आगे होता था, पिछड़ा हो गया है। अगर हम कंपेयर करें हिमाचल, हरियाणा या यूपी के साथ, तो पंजाब उनके कंपेयर काफ़ी पीछे चला गया, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, हर जगह पर पंजाब पहले नंबर वन होता था। अब पंजाब बहुत पीछे चला गया है, तो उनको ऊपर उठाने के लिए मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। वही जीत के दावे तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के भी हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने दावा किया है कि पांच राज्यों में बीजेपी की जीत होगी। के परिणाम मैं समझता हूं कि आज पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश का विकास किया है, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, आज जो चुनाव के रिजल्ट हैं, मैं समझता हूं कि लोगों की पहली जो पसंद है वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी के कामों को देख करके लोग जो हैं वो वोट करने वाले हैं। इन सब के बीच इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने दावा किया है कि बीजेपी की हार होगी। इनेलो सुप्रीमो ने बीजेपी की हार का दावा करते हुए हरियाणा सरकार पर निशाना भी साधा है। और आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हरियाणा की सरकार पर कब्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर कई हजार का कर्ज लेकर फिर पैदा होगा, बिना लिया हुआ कर्ज चुकाना पड़ेगा। आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी इन्हें हर महीने कर्ज लेना पड़ता है, उनसे पूछना कि ये कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर कहीं कोई एक ईंट नहीं लगी। हमारी सरकार के वक्त में जो सड़कें बनी थी उनकी तक नहीं। चुनाव को लेकर दावे तो हर पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं और विकास की बात भी हर एक पार्टी कह रही है। जनता से चुनाव से पहले लुभावने वादे भी किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच फैसला जनता का ही होगा कि उनके राज्य की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होगी और कौन सी पार्टी के हाथ निराशा लगेगी। हरियाणा डेस्क, खबरें अभी तक।